हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अरे गाड़ी ठोक के भाई, अरे भाई 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 ये ठोक भी देंगे। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आगरा। शाहजहां ने ताजमहल वहीं बनाया तो उसे देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। अरे ताजमहल खरीदने जा रहे हैं। चल, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो हमने सोचा कि आज हम ताजमहल दिखाते हैं। एक ही वॉन्डर है जो इंडिया में अवेलेबल है अभी, बाकी हमारे पास पासपोर्ट नहीं है इसलिए हम बाकी वॉन्डर देख नहीं सकते, वरना बुर्ज खलीफा जाते हैं। पैसे भी नहीं है और अभी तक जर्नी शुरू भी नहीं हुई है, पर मेरे को लग रहा है कि हमारे दो तीन चलान आ चुके हैं। 200 मीटर्स टेक द रैंप ऑन द राइट टू ताज एक्सप्रेस हाईवे। मेरा जीपीएस चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। Inches later. ये पहला टोल गेट आया है। यार फास्ट टैग यूज नहीं होता। ऐसा है क्या? हाँ, कैश देना पड़ेगा 670। गलत चीज़ है, मैं तो नहीं दूंगा। मांग भाई लॉन्ग चल रहा है। मेवल, दिस इज अ फैमिली व्लॉग। मैंने दो दिन बड़ी गालियां दे के सीखी। बोले चल जाती हैं भाई। भाई मम्मी देख लेती है मेरी नो गाली। 675 पे है टोल। पागल है क्या? मैं वापस ले लूंगा। चालू है भैया को बंटा पीना है, पियेंगे बंटा। यहाँ पे आते ही आपको लोग बोलेंगे गाइड कर लो, गाइड कर लो, गाइड कर लो। बोलना गाइड है, गाइड करेगा। चलो, तो हमने टिकट ऑनलाइन बुक कर लिए। अभी यहाँ पे ऑफलाइन टिकट खरीदने का मूड नहीं है। दो टाइप की टिकट होंगी, एक होगी 50 रुपीज़ वाली जिसमें खाली ताज है। तो मंदिर है, मंदिर भी है, सेक्युलर कंट्री हमारी बहुत बहुत ज़्यादा। दो टाइप की टिकट है, एक 50 रुपये वाली जिसमें आपको मेन बिल्डिंग के एक्सेस नहीं मिलेगा। देख लो, ऑफलाइन यहाँ से लेते हैं टिकट। हाँ, टिकट काउंटर है पर बंद है अभी, सिर्फ ऑनलाइन टिकट काउंटर। ये मेन गेट और यहाँ पे कुछ दुकानें वकानें हैं। ऑफिशियल मर्चेंडाइज ऑफ ताजमहल। दोस्तों के लिए कोई गिफ्ट लेना है तो फ्रिज मैग्नेट्स बेस्ट रहते हैं, वो ले लीजिए ना। 5-6 ले लो, 5-6 दोस्तों को बांट। क्या भाई, पी लो भाई। हेलो, कैसे भाई? उस तो बहुत पीसफुल था इसकी जगह। हां, यहां तो बहुत देर है, बहुत ज्यादा शोर है ब्रो। इट्स वेरी क्राउडेड ओवर हियर। हां ब्लॉगर, सैनिटाइज करते रहना भाई। सैनिटाइजर लाए हो ना? मेरे को भी दे दीजिए भाई। हमने सिक्योरिटी चेक क्लियर कर लिया है। छोटा है इससे, और छोटा कितना होगा? फोटो में तो नेक्स्ट लेवल दिखता है बड़ा। और इतना तो विशाल का है बस। सही में भाई, अबे बड़ा है, चूतिया काट रहे भाई तुम्हारा। ये जो आप गेट देख सकते हैं, इस पे जो कैलीग्राफी की गई है, ये पत्थर ही है। ये पत्थरों को उस शेप में करा गया है, ये पेंट नहीं है।
ये सारे पत्थरों की कार्विंग करके स्टोन में जड़ा गया है। हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं ताजमहल। जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड इन 1632। इसको बनाने में 22 इयर्स लगे। मैं खुद 22 साल का हूँ, इसमें बहुत मेहनत लगी है। 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया था, फिर उनके हाथ भी काटे गए थे ऐसा सुनने में आता है, पर ऐसा उसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि उनके हाथ काटे गए थे। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दूसरा ताजमहल ना बन सके। ताजमहल के लिए बनाया गया था पर उसने कभी देखा ही नहीं है। सैड। सैडेस्ट थिंग अबाउट ताजमहल। लेकिन बनाया तो किसी शौहर ने अपनी बीवी के लिए। हमें पता है डैड, आपको गाइड बनने की जरूरत नहीं है। काफी कड़ी सिक्योरिटी है, आपको किसी भी तरीके से किसी भी वॉल पे बैठने नहीं दिया जाता। भाई गार्ड मुझे देख के सीटियां बजा रहा है। आई फीलिंग अभी इनको डांट पड़ी है वहाँ पे बैठने के लिए। तो ताजमहल की कॉस्ट जो पड़ी थी उस टाइम पे पड़ी थी $32 million। तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से 70 billion dollars लगेंगे अगर आज के दिन पे ताजमहल बना। ज्यादा नहीं बोल रहे, 70 billion dollars। हाँ डॉलर वो भी। हाँ विकिपीडिया पे है, देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल। विकिपीडिया कुछ डाल दो। चलाओ नीचे आए। और ये जो फाउंटेन है आधे चलते नहीं क्योंकि इनमें कोई मोटर नहीं होती। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे बने थे जब मोटर इन्वेंट ही नहीं हुई थी। फाउंटेन दिखा तो। फाउंटेन आओ। ये तो मेरी एक सैलरी में बनवा दूंगा। तो भाई जब पता चल रहा था ना इनको कि मजदूरों के हाथ कटने वाले हैं, तो एक मजदूर ने ना कोई टाइट टैंकी में छेड़छाड़ कर दी थी वहां पर। हमेशा अभी तक डिफेक्टिव है वो, अभी तक ठीक नहीं हो पाया। देख लो है ना बढ़िया। अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा भाई, इतना दूर आए हैं। 3,000 पेट्रोल के लगे हैं, 250 टिकट के लग गए भाई। वो ऐसे वाला ऐसे वाले पे जाने वाले कुछ बात है। मेरा हाथ सही है। आ रुक सेट करो। तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगी, शाहजहान मैं तेरा तेनु मुमताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगी। ऐसा लग रहा है किसी फिल्म के सेट पे आए हैं, है ना? क्योंकि इतनी बार देख लिया, इतने पिक्चरों में देख लिया। दिखा चुके हैं, इट्स ब्यूटीफुल, रिमाइंड्स मी ऑफ हर। हुमायूं स्टॉम से भी इसका काफी रिलेशन दी गई है क्योंकि हुमायूं स्टॉम इससे 85 इयर्स पहले बना था। ये जो मीनारे है ना, वैसे तो देखोगे सीधी लगेंगी, लेकिन ये वैसे थोड़ी हाँ टेढ़ी है ताकि अर्थक्वेक टाइम ये बाहर की तरफ गिरे, ताकि मेन बिल्डिंग कोई डैमेज ना हो। मेरा एक डाउट है, सबने हाथ ऐसे क्यों खड़े करके चुने ऐसे ऐसे? ये इन्होंने भी करा भी सिग्नेचर पोज। ताजमहल आए हो ये ना किया तो क्या है ताजमहल? Few moments later. क्या यार, 200 रुपए और खर्च लो, अंदर चल लो। यार एक यार एक अब हमें 200 ही देने पड़ेंगे और तो और क्या? ये देखो मैथ्स में फेल। तो भाई इतना क्या, इतना आए हो, इतना दूर से आए हो, ताजमहल लेंगे? ताजमहल तो देख, हम तेरे साथ ही खड़े हैं भाई, तू घूमा। तू 200 रुपए दे, तू यहां पे मिला मैं। मेरे हिम्मत नहीं हो रही भाई, रात को बहुत लेट हो रहा है। मैं तो सही आ गई भाई। अभी हम रेड फोर्ट जाएंगे, ताजमहल हमने देख लिया। इट वॉज वॉट अ नया चीज़, एक बार रट्टा मार के आया। गाइस अगर आप दिल्ली से हो ना तो इतनी दूर मत आना, बता रहा हूँ। आगरा किसी शादी वादी के लिए आया तो घूमाना। बट है बहुत सुंदर, एकदम जैसे मूवीज में दिखाते हैं उससे भी सुंदर है। नायाब देख, नायाब, इट्स नायाब, यू कैन नॉट सी। तो गाइस हम आए हैं आगरा फोर्ट। आप पूछोगे आगरा फोर्ट क्या है?